কেমন অংশু জি? নমো নমঃ মহা মহোদয়া কথম আসীত উত্তমম। অন্য বিদ্যার্থী গণাঃ কুত্র সন্তি? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। पिछले हफ्ते भी यही हुआ था शायद ना। ना जानामि। निदान की मस्ती निदान दूरवाणी अस्ति। ऐसे तो करना कठिन है। इदानीं न दूरवाणी इदानीं न सोमवासरे मंगलवासरे बुधवासरे कदाचन एकं दूरवाणी उपयोगी भवति। तो मम जवनी का I can see screen तो नहीं आपको देखते? हाँ, मम मुखम पश्यसि त्वं मम जवनी का शेर के लिए हमने क्या ढूंढा था? शेर स से ही कोई शब्द था ना, इसमें लिखा भी है हमने कहीं पे प्रेजेंटेशन। क्या आप कुछ बोली? नहीं, मम्मी को कह रही थी, सॉरी। अच्छा, शिवस्य हस्ते डमरुः। शेर शेर शेर, मुझे लगता है दो तीन कक्षाएं हो गईं जब हमने कभी एक बार शेर की बात की थी। शेर ध्यान में तो नहीं रहा है। आदिवास रह ये था क्या? एक बार देखना पड़ेगा। ये सहाय, पर सहाय तो सहायता जैसा होता है। आपकी आवाज थोड़ी कम सी आ रही है, कम से ज्यादा टूटी टूटी टाइप आ रही है। दोबारा से, अभी क्लियर है? अभी जब आप बोली तब साफ तो आई, पर दूर से आई, जैसे आप कुएं के अंदर बैठी हैं और उसके अंदर से बोल रही हैं, पर कुआं ज्यादा गहरा नहीं है तो बहुत दूर से नहीं आ रही। क्या हुआ, खांसी हो रही है? नहीं, ठीक हो। तो ये दिखा क्या अभी? अब मैंने शेयर कर दिया है ये पे। नहीं, मुझे नहीं, अब ये हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है स्क्रीन शेयर। हाँ, अब आया। अभी आ गया ना। वही लिखा है, मम सहाय कुरु, सहाय ये लिखा था मैंने, सहायता। शेर का सहाय तो सहायता के लिए, वही कह रही हूँ, शेर का तो मुझे नहीं दिखा।
हाँ अच्छा ठीक है, तो हम जनवरी की कक्षा है, 24 तारीख की कक्षा है, 24 जनवरी। अच्छा अच्छा हाँ, दिनांक तो मुझे याद नहीं, फिर भी मुझे लग रहा है कि हमने कभी तो ऐसे सहाय जो है की चर्चा की थी कि इसका क्या होगा, और सहाय नहीं मतलब शेयर करने के लिए। शेयर तो हिंदी में हम साझा बोलते हैं, पंजाबी में भी साझा बोलते हैं। बांटना भी इतनी शब्द ही होता है, सो अगर मूल शब्द बहुत से भी शायद हो सकता है शायद। बांटना, पर मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि हमने जब सोचा उसके बाद देखा भी। एक मिनट रुकिए, मैं शब्दकोश उठा ही लेता हूँ, मन में आया है तो उसका निवारण कर लिया जाए। एक मिनट। हाँ, भी शब्दकोश आ गया है। या फिर ऐसा कुछ हुआ था कि इसमें मिला ही नहीं, देखते हैं अभी पता चल रहा है। यस आई, भाग। अच्छा तो भागह जो है ये तो संज्ञा वाला है, पार्ट जिसको हम कहते हैं ना, ये वो वाला शेर। ये इसका भाग, अमल की भाग सपोज, पीस मतलब हाँ आंवले की पीस। हाँ वैसा वाला शेर है ये। शेर क्रिया जो होती है उसको हम हिंदी में साझा से ढूंढ के देखता हूँ मैं, देखते हैं साझा से मिलता है क्या कुछ, क्योंकि साझेदारी, सहभागी, तो ये तो ठीक है, सहभागी। तो सहभाग शायद शेयर करने की क्रिया को कह सकते हैं। इसमें भी नहीं है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमने सोचा, फिर हमको भागह भी मिला, फिर हमको ये भी समझा कि ये जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं है ये, क्योंकि भागह जो है ये तो संज्ञा है और हमको चाहिए क्रिया, जी कि शेयर करने के एक्शन को हम क्या बोलेंगे। तो तब ऐसा कुछ हुआ था शायद कि आप संपदानंद जी से भी एक बार मैसेज करके ट्राई करने वाली थी, वो तो इसके लिए या वो था ना, किसी और चीज जब का वो था। प्रीत और नहीं मृत मृत शब्द के लिए मैंने कहा था, वो मुझे ध्यान में है बराबर, कि इसमें से मृत में से मिट्टी अगर निकला है तो मूल शब्द मृत का तात्पर्य क्या है, मृत्यु के अलावा, ये चर्चा मुझे याद है। तो हम ये प्रश्नों की एक थोड़ी सी छोटी सी सूची यहाँ पे करते हैं। मृत, मृत्यु, मृत्यु
मृत्तिका, इन तीनों के हमको अर्थ तो पता है, पर मूल शब्द मृत जो है वो शायद मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए वो मृत्यु और मृत सब उससे मिलते जुलते शब्द हैं। और अभी हमने जो सोचा कौन है वो शेयर करने के बारे में भी पता करना है, शेयर की क्रिया। ये एक, ये दो, और क्या था? जम्बूद्वीप। मैंने जम्बूद्वीप किया का जम्बूद्वीप वाला तो फिर भी शायद मिल जाएगा। जम्बूद, क्या बोली आप? फिर से आपकी आवाज टूटी। मैसेज अरे आज शुभम जी भी लॉग इन किए हैं। शुभम जी नमो नमः, आपकी आवाज। नमो नमः गुरु जी। नमो नमः, नमो नमः शुभम जी। नमो नमः। आप कब प्रकट हुए? शायद अभी अभी ज्वाइन किए हैं सर। जी उत्तमम उत्तमम। जी क्या मावा जी, ये कौन से शुभम जी है? कौन से? मतलब एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ऐसे? नहीं, शुभम वर्मा जी को आपने ग्रुप में ऐड किया था तो केतु से मैं पूछ रही अच्छा, नहीं, शुभम जी को अब हम लोगों ने भारत माता ग्रुप में जोड़ा है, पर जी। ये शुभम जी अलग शुभम जी, ये स्ट्रिंग का पार्ट है, पर वो और शुभम। शुभम वर्मा जी से आपकी बात हो गई थी ना? हाँ, हमारी खूब बातें हुई, हाँ हिस्ट्री ऑफ जी। थिंग्स वाले जो शुभम जी हैं, अभी हम लोग मिलजुल के थोड़ा बहुत उनके प्रमोशंस में हेल्प कर मदद कर रहे हैं, और उनको कुछ कुछ। बहुत बहुत जरूरी है प्रमोशन। आपको याद है अंशु जी, मैंने आपको बहुत शुरुआत में बोला था जब क्लासेस अपनी शुरू हुई थी तब, ये विदिशा से बिलोंग करते हैं, आप उनसे बात करके देखिएगा। हाँ, मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पर अभी जब हाँ हम लोग की उस दिन बात हुई तो वो बोले कि मैं विदिशा में हूँ। मैंने बोला अरे वाह, तो फिर तो पड़ोसी हो गए हमारे, भोपाल, मैंने विदिशा भोपाल के इसके लिए पास आपको ही बोला है। क्योंकि एक वो हो जी जाता है, थोड़ा सा आप उनको ला सकते थे स्ट्रिंग में, तब उस लिहाज से मैंने उस समय बोला था कि उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, बट वो प्रमोशन हाँ, की बहुत जरूरत है उनको। आ जाएंगे वो। अभी तो स्ट्रिंग में थोड़ी और दूसरी चीजें चल रही नहीं है ना, नहीं तो इसलिए तो। ठीक है, स्ट्रिंग तो ठीक है, बट अदरवाइज ऑल्सो उनको प्रमोट कर सकते हैं ना, उनका हाँ, खुद तो का चैनल अभी हम, काफी अच्छा चल रहा है। हाँ तो अभी वही कर रहे हैं कि उनका जैसे ही पता चलता है तो हम कम से कम 700-800 लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अभी उनका, उनके साथ मिलके इंटरव्यू जो है प्राइड ऑफ भारत के लिए भी ऑर्गेनाइज करेंगे, और उनके लिए भी करेंगे, क्योंकि वो भी कुछ कुछ इंटरव्यूज साक्षात्कार कर रहे हैं जी आजकल दूसरे लोगों के। जैसे उन्होंने अभी किसका डाला था, पुष्पेंद्र मैं नाम लिया, पर हाँ कुलश्रेष्ठ जी का वो ही डाला था मेरे ख्याल से, उनने उनके साथ भी किया। और उससे पहले भी उन्होंने मतलब जो भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान से भी, क्या आंदोलन था उनका भी। अच्छा, वो जो लोगों को लाने की हाँ कोशिश हाँ कर रहे हैं वही पाकिस्तान ना? से जो हिंदू हैं अपने, हाँ, उनको भारत लाने की कोशिश। उसके बारे में उनका वीडियो आया था क्या, हिस्ट्री जी, यूट्यूब में ऑफ ही है थिंग्स वो। वाला? अच्छा, जी तो अच्छा है, अब हमसे जुड़ गए तो अब हम जितना प्रयास हो सके करेंगे उनका भी प्रमोट करने में, क्योंकि जो भी अच्छा वही, काम मैंने कर भी रहा है वो उसका स्ट्रिंग में भी बड़ा। डाला था अपने मेन ग्रुप में, और एक फ्रेंड भी, उसने भी बोला था कि हाँ ये ट्राई करेंगे प्रमोट करेंगे। और धीरे प्रमोट एक धीरे फिर चीज है, वो उनको स्ट्रिंग में जोड़ने के लिए भी मैं चाह रहा मेन था वो कि है। कोई हाँ एडमिन जो है अभी जोड़ सके। मैंने दो तीन लोगों को तो बोला था, सतीश जी, सतीश जी नहीं, क्या संजीव, क्या नाम है उनका, सर सही कुछ नाम तो है। जाहिर हाँ, जाहिद और विनोद जी तो अभी कहीं विनोद दूसरी, जी तो हाँ थोड़े मेन। व्यस्त हो गए थे, हाँ पर
मैंने दूसरे एडमिन्स को बोला था, तो अब जी किसको कितना समय मिल रहा है पता नहीं, पर ठीक है हम जैसे हो। बीच में मैंने कोशिश की थी किसी को ऐड करवाने की, तो मैंने वो लेडी है ना सुचित्रा जी, हाँ सुचित्रा जी, मैंने उनको दिया था एक नंबर कि इनको ऐड करिए ग्रुप में, तो हुआ नहीं उनका भी ऐड। हाँ मैंने सुचित्रा जी को भी एक दो बार बोला है, जैसे ओजस जी है ना अपने, वो तो मतलब काफी दिन हो गए अब तो एक्टिव हैं, वो भी बढ़िया एक्टिव है। उन्होंने अभी अभी एक चर्च वर्च का ग्रुप को बंद करवाया है उनकी एक्टिविटीज को, बढ़िया बहुत अच्छा है। और 12वीं क्लास में वो लड़का मतलब इतना बढ़िया एक्टिव होना, यज्ञ भी करते हैं वो अपने घर में, और मतलब अमेजिंग, मुझे तो बहुत ही लगता है कि आजकल की पीढ़ी को उनसे खूब सीखना चाहिए, बहुत सीखना है। उन्होंने अपनी ये बताई है कि वो क्यों ऐसे, मतलब उनके साथ इतना, मतलब इस एज में इतने स्पिरिचुअली एक्टिव कैसे, कुछ अपने आपकी बात हुई है कभी इस बारे में? नहीं, अब प्रेरणा भी तो है, जैसे जो मैं तो बचपन से ही इस तरह का हूँ, तो अब ऐसे उनका भी है, वो बताते हैं कि उनके यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा मिला होगा। अच्छा है, नहीं एक्चुअली मेरी बात हो रही आपको थी याद है क्या? हाँ तो लोग आपकी आवाज चली गई जी, आप मुझे कह रहे हैं अंशु जी? हाँ जी, मेरी बात हो रही थी एक दिन उनसे, तो उन्होंने बताया था कि मतलब जस्ट बिफोर ही वाज अबाउट टू बी बॉर्न, तो एक उनके पापा जब बैठे हुए थे शॉप पर या कुछ, तो एक अघोरी बाबा आए थे उनके शॉप पर, उन्होंने बोला था कि गीता जयंती के दिन आपका बालक होगा और वो बहुत तेजस्वी होगा। अरे वाह, तभी ओजस नाम रखा। तो मतलब ही हैज दैट यू नो, कुछ एक है उनको मिला हुआ तो है फॉर श्योर, क्योंकि वो जो लिखते हैं उस उम्र में तो मतलब इनक्रेडिबल। नहीं अच्छी बात है, हमको ऐसे ही मतलब यही तो हम चाहते हैं कि हर उम्र का, हर आयु का लड़का लड़की जो भी हो, अपना वो काम जो भी करे लेकिन देश के प्रति सजग रहे। जी, और अभी तो बहुत जरूरी है। हाँ, चाहे वो फुटबॉल प्लेयर हो, चाहे वो कुछ भी क्रिकेट खेलते हो, चाहे वो आईटी में काम करते हो, जो भी करते हो, पर देश के लिए अपना दायित्व जो है समझते हो उतना ही है, ताकि कोई और बकवास कर रहा हो तो उसको चुप कराने की क्षमता हमको होनी चाहिए। एटलीस्ट फैक्ट पता हो कि मतलब क्या रीजन क्या है। हाँ, सामने वाला कुछ भी बोले उसके कहने में नहीं आना है। तो अच्छा है, मतलब ऐसे लोगों की हमको देखो, मैं ना एक और चीज भी कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे लगता है कि हमको थोड़ा मिलजुल के करना पड़ेगा ये, कि हमारे ग्रुप्स जो हैं अभी, यही ये भारत माता का ग्रुप है, स्ट्रिंग का ग्रुप है, इनमें भी हमको ऑलरेडी कई लोग पता हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे जी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान जो अच्छा लिखता हो या बोलता हो, तो उन 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 लोगों के बारे में बिल्कुल एक सिंगल ऐसे डेडिकेटेड पता करके कि चलो आज मुआ जी से बात करेंगे, ठीक है, तो एक घंटा मुआ जी से बात की, उनका सब कुछ पता किया, फिर उसका वीडियो बनाया, उसको आर्टिकल बनाया कि ये देखो पर्सनालिटी कहते हैं इसको, ठीक है, फिर अगला उठाया ओजस जी को, उठाया ओजस जी के बारे में पता लगाया, उनके बारे में अपन, तो ये भी तो पर्सनालिटीज हैं। पर्सनालिटी होने के लिए कोई पिक्चर में काम करना जरूरी नहीं है किसी का, कि मूवी में एक्टिंग की, तो बल्कि वो तो सबसे यूजलेस पर्सनालिटीज होती हैं। नहीं, जैसे आपने ओजस जी के बारे में बताया, विनोद अन्ना है, ऐसे कई लोग हैं जिन, वैभवी जी हैं, तो हर कोई अपने अपने जीवन में इतना कुछ मतलब अच्छा, जो अपना जो काम चल रहा है वो एक अलग चीज है, पर जी, कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज है, ये जो कर रहे हैं वो एडिशनल है। हाँ, तो वैभवी जैसे जी, जैसे कोविड वॉरियर हैं, डॉक्टर हैं, और वो बिल्कुल पहले दिन से लगी हुई हैं, तो हर किसी का अपना अपना कुछ ना कुछ एक योगदान है देश के लिए,
तो इन चीजों को हम अलग अलग, मतलब जैसे वैभवी जी के ऊपर आर्टिकल, तो अब वो आर्टिकल एक पेज दो पेज जितना भी होगा वो होगा, मोआ जी के ऊपर, विनोद अन्ना के ऊपर, ऐसे किसी को लिखना चालू करना चाहिए। मुझे लिखने में उतना मेरा हाथ नहीं है, मैं हाँ बता वो सकता हूँ, कुछ हाँ मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लोग लेकिन जी लिखना एक आर्ट है, किसी किसी को जमता है। मेरे ख्याल से मोआ जी अच्छा लिखती है, मुझे पता है, ओजस जी भी अच्छा लिखते हैं, तो इन लोगों को हमको थोड़ा सुई चुबानी है कि भैया थोड़ा कुछ कुछ लिखना चालू करो अपने अपने लोगों के बारे में। और इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, जैसे अभी शुभम वर्मा जी जुड़ गए, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक पर्सनालिटी हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑनलाइन जी में कई काम कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, राइट। तो ऐसे सिर्फ वही नहीं, और भी लोग हैं, वैभवी जी जैसे भी वीडियो शुभम में आ वर्मा चुके जी हैं। है ना, वैसे मैंने अभी देखा है बहुत सारे जो हैं अभी, मतलब कि देश के बारे में आप बताने लगे, जैसे शुभम वर्मा जी बता रहे ना, सिमिलर जैसे हाँ अपना स्ट्रिंग है, वैसे अपनों ने देखा है कि सत्य सनातन है, तो वैसे बहुत सारे अभी चैनल एटलीस्ट बोल सकते हैं कि जो सही बातें बताने लगे, तो एटलीस्ट वो भी कनेक्ट हो जाए अपने साथ, हाँ कनेक्ट तो करते जाएं, थोड़ा उनके बारे में स्ट्रेंथ हम बातें स्ट्रेंथ करें। अपना भी बढ़ेगा। क्योंकि मैं ये सलमान, शाहरुख और अक्षय कुमार, ये सबको पर्सनालिटीज बिल्कुल नहीं भी नहीं, समझता वो रील वहीं वो। पे मूवी तक ही है बस। हाँ मूवी इमेज उनकी जो है वो है, ठीक है, अच्छा है, पर एज अ पर्सन नॉट नेसेसरी कि वो भले इंसान, मतलब वो किस तरह के मनुष्य हैं, तो उसको तो मैं पर्सनालिटी मानते ही नहीं। इंडस्ट्री में क्योंकि कुछ हाँ लोग बाहर हैं के जैसे पता नहीं है उनका क्या है नाना कैसे पाटेकर हैं। हैं, जो वो सही में पर्सनालिटी है, क्योंकि वो हाँ उनकी मैंने भी टॉक्स देखी है अलग से, जो काफी काम करते हैं, वो इंटरव्यूज किसानों के दिए। जी साथ, पानी वानी बहुत सारे इश्यूज पे वो काम करते हैं लोकल लोगों के साथ, तो वो डेफिनेटली एक पर्सनालिटी है। चलो अब हम ये बात थोड़ी बाद में करेंगे। मुआ जी आप कुछ बोल रही थी क्या, कि नहीं आपकी तारीफ ज्यादा हो गई? नहीं ठीक है, तो जम्बू द्वीप, शुभम जी आपको कुछ पता है, जम्बू द्वीप भारत को प्राचीन काल में क्यों कहा जाता था, उसका हम जिस पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। अभी ऐसे कोई इंटरनेट सर्च नहीं किया है हमने, पर हम आपस में चर्चा कर रहे हैं अभी, कि जम्बू जो है, जामुन द्वीप एक तो फल पता है, होता है, जम्बू क्यों बोलते हैं। हाँ वही जामुन एक फल होता है। एक मिनट, दरवाजे पे कोई है, जी, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, रुको। आ गया मैं। हाँ ठीक है, तो ये हमारा गृह कार्य के लिए भी रख लेंगे, जम्मू द्वीप का पता करना है कि वो नाम वैसा क्यों है। अभी हम लोग इसी पे कंटिन्यू करेंगे, जो हम लोग भोज्य पदार्थ पर हाँ भोज्य थे। पदार्थ हम अभी तुरंत नहीं कंटिन्यू करेंगे, पर हम बाद में फिर से उठाएंगे इसको। कुछ तो कुछ कुछ हमने निकाले फल, कुछ फल तो हमने अवश्य देखे थे, कदली फलम, दाड़िमम, मोहा महोदया, अच्छा बोला, आम्रम की दृशम अस्ति, आम्र फलम की दृशम अस्ति, उसका शेप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आप जो डिस्क्राइब करना चाहती हैं कर सकती हैं, आप उसका स्वाद भी कर सकती हैं ना, मधुर मधुरम। तो हो हाँ ही, मधुर नहीं, आम्र फलम मीठा मीठा, मधुरम अस्ति। मीठे के लिए सिर्फ मधुर होता है शब्द। हाँ हाँ बिल्कुल, पर उत्तम शब्द है, आम्र फलम मधुरम अस्ति। शुभम महोदय,
जी बिल व फलम की दृशम अस्ति। बेल। गोल गोलाकार। हाँ तो आप वो बोल रहे हैं तो हाँ, बिल्व फलम गोलाकार अस्ति। और उसका टेस्ट से और क्या होगा ये स्वाद बताना है तो मधुरम, बिल बेल स्वाद तो के थोड़ा मीठा होता है तो बिल्व फलम मधुरम अस्ति। वो खट्टा और मतलब मीठा हो एक लेके मिक्स। आई अंजलि जी अभी एक मिनट आया कि जो 6 प्रकार के स्वाद होते हैं उसका भी नाम हम लोग शोध कर सकते हैं, मतलब हाँ मीठा तीक्ष्ण नमकीन ये सब। हाँ तो स्वाद अलग अलग जो हैं कैसे कैसे हैं, तो कषाय क्या होगा सोचो, ये तो आसान होगा आपको। कड़वा खट्टा खट्टा हाँ कड़वा, कड़वा ये कड़वा होके है। कषाय कषाय। कड़वा, तो इसमें हम क्या डाल सकते हैं? हमने करेले के लिए लिखा था क्या शब्द? कभी नहीं लिखा अभी था। नहीं करेले का शब्द भी नहीं किया अभी। करेले का कुछ स्पेशल सा शब्द, हाँ मिलता जुलता ही है, कारवेल्ला। तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण कारवेल्ला तो इसलिए हिंदी में करेला है, इसी का थोड़ा सरल वेल मतलब वेल बेल होगा ना फिर वेल। हाँ वेल। वेल से जुड़ा होगा पक्का, हाँ लेकिन हर बेल वाले उसमें बेल नहीं है, पर ठीक है कारवेल्ला हम याद रख सकते हैं करेला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं करेला। और थोड़ा सा एक करेला बनाना भी आवश्यक है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि करेले की बात हो रही है। कारवेल धीरे धीरे करेला की करेले कमी जैसा तो लगने लग रही है लगेगा, क्या? एक्चुअली लगेगा लग रहा है। धीरे धीरे लगेगा, ये जो बीज बीज के है ना इसमें नहीं थोड़ा अभी भी मतलब लग रहा है, अभी भी अलग लग रहा है। है, लगेगा बिल्कुल। अपन जो मन में सोचते हैं वही बना रहे हैं तो फिर कैसे नहीं लगेगा वो इसको करेला लगना ही पड़ेगा। हाँ देखो अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना। दो करेले बना देते हैं, एक छोटा सा भी बना देते अच्छा हैं। तो ये रंग तो ठीक है, हाँ तो बन गया करेला। बनाने से तो देखने से क्या होता है कि आपको याद अच्छे से होगा, मुझे भी याद अच्छे से होगा, हम सबके लिए अच्छा है वो। सिर्फ शब्द जैसे हम पुस्तक में पढ़ लेते हैं ना कारवेल शब्द और उसका नाम, तो उतने अच्छे से वो अपनी याद के अंदर मस्तिष्क के अंदर जाएगा नहीं जितना पिक्चर के साथ जाएगा। तो कारवेल्ला हो गया करेला कड़वा। अब हम देखते हैं, कषाय हाँ तो ये कषाय है जो उस स्वाद का नाम है, कषाय मतलब कड़वा। तो अब हम एक प्रश्न कर सकते जी। हैं, शुभम महोदय कारवेल्लह की दृशम अस्ति, की दृश्य अस्ति। कषाय कषाय हाँ कषाय अस्ति। तो अस्ति। अब आप अगला प्रश्न आप करेंगे मोहाजी से या मुझसे, जिससे भी आप करना चाहें। अभी मोहाजी से नहीं किया है इसलिए आप मोहाजी से कीजिएगा। तो हम अगला
एक स्वाद का नाम लिखते हैं, मधुरम या मधुरह, उसके लिंग पे निर्भर करता है। जैसे कारवे लह जो है, ये पता चल रहा है कि लह लगा है अंत में, विसर्ग लगा है, मतलब क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। जैसे फलम, जब हम फलम बोलते हैं तो फलम लगता है तो हाँ वही फलम, अम अम लगा तो नपुंसक लिंग हो जाता है। ओके, आ या ई लगा, जैसे गीता, मोहा, ई तो हाँ स्त्रीलिंग, नमिता, और कई सब्जियों में हम देखें तो जैसे मधुकर का टीका, मधुकर का टीका बड़ा सुंदर नाम है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पपीते को कहते हैं मधुकर, मधुकर का टीका। तो ये जो है स्त्रीलिंग है। वैसे ही द्राक्षा जी, अंगूर जो है द्राक्षा, हाँ, ये भी स्त्रीलिंग द्राक्ष, द्राक्ष। तो अब जैसा वो संज्ञा शब्द रहेगा वैसे ही उसका स्वाद हम बताएंगे कि जैसे कारवेल्लह कषायः अस्ति, लेकिन मधुकर्कटिका मधुरा अस्ति, ठीक है, तब मधुरह नहीं होगा, मधुरा मतलब वो संज्ञा के अनुसार उसका उसका लिंग भी बदलेगा। तो मधुरह जो है मीठा हो गया। यहाँ पे हम उदाहरण कौन सा लिखें? आम्रम लिख लेते हैं, आम्रम मधुरम अस्ति। तो चलिए अब आप एक अपना प्रश्न बना के पूछिए मोहा जी से। प्रश्नम, ये प्रश्न तो आपने पहले ही पूछ लिया था, सेम तो आप उसको दूसरी तरह से पूछ लीजिए। जैसे मैंने पूछा आम्रम की दृशम अस्ति, तो आप उल्टा पूछ लीजिए, मधुरम किम फलम, मधुरम की मधुरम की फलम अस्ति क्या होगी इसकी? हाँ, मधुरम किम फलम अस्ति, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि मधुरम कौन सा फल है, किम कौन सा फल या कौन से फल आते हैं उसमें। हाँ, तो किम हम पूछ रहे हैं, मतलब एक फल उत्तर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं, तो कोई भी एक बोल सकते हैं जी। पुनः प्रश्न पृच्छतु शुभम महोदय। मधुरम किम फलम अस्ति, मधुकर्कटिका मधुरम अस्ति। उत्तमम, तो आम्रम पपाया, मधुकर्कटिका, मधुकर्कटिका। पूरे फलों में जो सबसे सुंदर नाम है मुझे यही लगता है, मधुकर्कटिका, मधुकर्कटिका। बहुत ही सुंदर नाम रखा है। वैसे यहाँ नॉर्मल प्रयोग में नहीं है अभी, अब हम ला सकते हैं ना, जैसे जैसे हमको पता चलता है तो अब हम किसी से पूछेंगे कि बताओ मधुकर्कटिका क्या होता है, तो फिर ऐसे ऐसे तो जानकारी बढ़ती है। हाँ, तो अब मधुकर्कटिका मतलब मधुर स्वाद तो हमने कर लिया, अब बाकी स्वाद जो है शब्दकोश में ढूंढने पड़ेंगे। तो कड़वा मीठा, और क्या है, एक खट्टा होगा, और जो वो एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर होता है वो तीक्ष्ण, तीखा जो हम बोलते हैं, तीक्ष्ण होगा मोस्टली, मिर्ची वाला जो फ्लेवर होता है ना, देखते हैं क्या शायद उसके लिए भी यूज होता है क्या, जो भाई एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर जो एस्ट्रिंजेंट, अरे वाह, एक और बढ़िया फल मिला, और वो भी इससे मिलता जुलता है, पर इतना सुंदर नाम नहीं है, पर मिलता जुलता है। उसको भी मैं यहाँ, अरे
उसको भी मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ। आप अंदाजा लगाओ कि ये क्या है। वृत्त कर्कटी की। वृत्त कर्कटी। की और एक बार वृत्त को जरा अच्छे से लिखूं मैं, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। कोई गोल चीज है ये, वृत्त मतलब हाँ तो गोल है। हाँ तो वृत्त कर्कटी की, वृत्त कर्कटी मधु कर्कटी का से मिलता जुलता नाम है। और ये है, ये खरबूजा है क्या? खरबूजा। उत्तमम उत्तमम, खरबूजा। बहुत बढ़िया। मैं असल में खट्टा ढूंढ रहा था ये शब्दकोश में, और ये वृत्त कर्कटी की दिख गई। खट्टा तो नहीं दिखा अभी तक। खट्टा तो संत ये हो सकता, संतरा, थोड़ा संतरा संतरा तो है, पर खट्टा स्वाद को हम खट्टा मीठा नाम क्या बोलते हैं वो देखना है मीठा। मुझे। अच्छा जैसे कषाय मतलब कड़वा, मधुर मतलब मीठा, तो अब खट्टा मीठा जी 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 इनके लिए हम बोलेंगे क्या? तो एक वही बार, संस्कृत में क्या नाम है हाँ वही शब्दकोश में जी, मैं एक बार देख रहा हूँ। जो कोई ऐसा भाग होगा। आमलम। अरे वाह, तो खट्टे के लिए आमलम है। आमलम, तो आंवला, शब्द इसके आमला, लिए आंवला, हाँ आंवला, जो आमला आमलम की कहते हैं ना, उसी से जुड़ा हुआ है खट्टा जी। आमलम। तो असल में एसिडिक अम्ल, अम्ल जो है ना वो मूल शब्द है, एसिड के लिए अम्ल कहते हैं। आमल की। अम्ल तो मोहा महोदया, अम्लम किम फलम अस्ति? आमला की जंबीरम। क्षमा, मेरा नेटवर्क इशू आ गया था इसलिए अभी वापस रिकनेक्ट। अच्छा। संतरा और मौसम्बी को क्या कहेंगे? उत्तम प्रश्न। तो स्वाद तो हमारे यहाँ कहीं तक खत्म हो जाएंगे, लगभग 6 स्वाद तक हो खट्टा जाएगा। फिर हम लिखते हैं नारंगम। तो ये है नारंगी, उसी रंगी को हम संतरा भी कहते हैं। रंगी ऑरेंज। नारंगम। तो नारंगम आम्लम अस्ति। मोआजी आपका प्रश्न। नहीं पहले आप नारंगम ये भी फाइंड आउट कर ले, हम मौसम्बी का नाम। मौसम्बी। हाँ ढूंढते हैं, रुको। अरे यार आप लोग भी शब्दकोश मंगाओ, सिर्फ 75 रुपए में इंग्लिश हिंदी दोनों के, इंग्लिश टू संस्कृत एंड हिंदी टू संस्कृत, सिर्फ 75 रुपए में कौन देता है दुनिया में दोनों शब्दकोश? सब संस्कृत भारती से ऑर्डर कर लो, और बचे हुए 25 रुपए की वो पांच पांच रुपए संस्कृत वाली भारती से जी संस्कृतम वदतु मंगाना। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये है आंग्ल संस्कृत शब्दकोश, और ये है हिंदी संस्कृत शब्दकोश, दोनों संस्कृत भारती के हैं। शुभम जी आपने शायद पहले नहीं देखा है, हिंदी संस्कृत शब्दकोश है ना? जी दोनों दिख गए, तो हिंदी संस्कृत और ये आंग्ल जी संस्कृत।
दोनों अच्छे हैं, दोनों इंग्लिश में साथ ही। काम के बहुत सारे शब्द हैं, और दूसरे शब्दकोश भी मिले तो और अच्छा, क्योंकि ये जो है एक मिनिमम शब्दकोश तो है, इसमें काफी सारे आम प्रयोग के शब्द सब मिल जाएंगे। पर ऐसे जिसको बोलते हैं कि बहुत ही सारे शब्द जिसमें मिल जाए, तो उसके लिए थोड़े और बृहत शब्दकोश ढूंढने पड़ेंगे, वो संस्कृत भारती में तो नहीं पर और प्रकाशन के मिल सकते हैं। जैसे वैभवी जी के पास एक और शब्दकोश है, वो वहाँ बेंगलुरु का ही आसपास का कोई प्रकाशन है, कर्नाटक का, वो थोड़ा और बृहत है, काफी जैसे बड़ा है। मत्तूर का मैंने नाम सुना है बहुत संस्कृत में, संस्कृत अच्छा कर्नाटका में एक मत्तूर शहर मत्तूर, मतलब गांव है, वहां पर ज्यादा से मत्तूर नाम का संस्कृत एक है, शिमोगा प्रयोग। के बहुत पास आता है, जी शिमोगा जी के संस्कृत मत्तूर, स्पीकिंग विलेज। हाँ शिमोगढ़। मत्तूर ही उसका नाम है क्या? मत्तूर टी टी जी लिखो। जी अच्छा मत्तूर, MATTUR। संस्कृत ग्राम इसको कह देते हैं हम। ठीक है, तो अभी हम अगला क्या ढूंढ रहे थे? तीखा मिर्ची वाला। अच्छा, मौसम भी ढूंढ रहे थे अभी। मौसम्बी। हाँ रुको, दोनों एक एक करके ढूंढते। जी नहीं। आपको भी मिलता है तो आप बता सकते हैं, जैसे अभी कई, जैसे डायरेक्ट अपने कक्षा में वर्षा जी बैठती थी, तो वर्षा जी इंटरनेट पे ऐसे सुपर वाज ढूंढ के कुछ कुछ हम जैसे प्रश्न करते थे, प्रश्न के पहले उनके उत्तर तैयार हो जाते थे। तो वैसा भी चलेगा, जहां से मिल जाए, ज्ञान जिधर से मिल रहा है बटोरते जाते हैं हम। मौसमी, जंबीरम, मौसमी अच्छा जंबीरम तो हमने नींबू के लिए है। देखा। हाँ एक और नहीं, मौसमी के लिए है मतु लुग लुगदम। अच्छा तो क्या लिखना है बताओ फिर से जरा। मतु, जी मतु, ल में हाँ ऊ की मात्रा, हाँ मतु फिर लुगदम, आधा ग और घ है लुगदम। या ग है? घर वाला घ है या गमले वाला ग है? गमले वाला। तो ऐसा मतु लुगदम। नहीं, तो ग आधा ग हो गया, फिर उसके आगे क्या बोले आप? नम नम, वो नारंगी वाला जो ऊपर है ना, तो मतु लुग्नम। जैसे नारंगम है। हाँ हाँ अच्छा, और जो नम है उसी के नीचे ग है। एक मिनट। हाँ रुको, अभी डिस्कनेक्ट यदि हुआ जैसे तो वापस नारंगम कनेक्ट लिखा कर हुआ लेना ना, आप लोग। आम के नीचे ग। लिंक, जी, हाँ अभी लिंक चला जाएगा, मैं रिजॉइन करके एक लिंक शेयर करती हूँ, कुछ मिला मुझे। नहीं पहले इसमें आम लिखना है आपको और नीचे ग लिखा हुआ है, जैसे ऊपर नारंगम में लिखा है ना। हाँ ये देखिए, एक मिनट, चैट में आया कुछ ओपन। अच्छा ठीक है, इसे ये काफी सारे नाम है, स्क्रीन भी मैं शेयर करता हूँ तो आप लोग लेकिन को भी दिखेगा। नारियल का मैं सरप्राइज हो गई देख के, नारी केलह लिखा हुआ है, श्रीफलम नहीं है। हाँ नारी केला भी बोलते हैं, श्रीफल भी बोलते हैं, नारियल के मल्टीपल नाम है। उस दिन सिर्फ श्रीफलम लिखा था, ये नया नाम मिला।
क्योंकि आप सोचो ना, जैसे हिंदी में जो नाम बने हैं उनका कोई ना कोई कारण तो है, तो अब वो यदि उसका श्रीफल जो है, श्रीफल उसका पूजा में जब उपयोग होता है तब अधिक कहते हैं उसको, लेकिन वैसे आम बोलचाल की भाषा में नारियल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका ओरिजिनल शब्द नारिकेल है। नारियल। तो यहाँ पे हमको कलिंगम मिल गया, तरबूज, तो तरबूज भी लिख लेंगे। कलिंगम, कलिंगम तो सुना है, हाँ, एक मिनट पहले वो कलिंगम ढूंढ लें जो हम ढूंढ रहे थे, पता नहीं दिखता पनसम इसमें द्राक्ष मुझे। हाँ फलम, इसमें तो बराबर, नहीं दिख रहा। जंबीरम नींबू है, दिख तो रहा लास्ट में एक लिस्ट है, आखिरी में है। हाँ, इसमें भी नहीं है वो। नहीं तो और मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। खरबूजम भी है। देखो वही लगा कि ब्लैक प्लम जम्बू, वो तो मतलब यही हो गया ना, जामुन ही हुआ। इसका खरबूजम भी है, तभी वो खरबूजा भी बना नाम। उदम्बरम, हम लोग क्या कहते हैं इसको, फिग को, फिग को क्या कहते हैं, किसको? फिग, फिग हिंदी शब्द याद कर रही अंजीर। हूँ, तो फिर ये इससे हाँ, अंजीर अंजीर, होता है, अंजीर। उर्दू शब्द है अंजीर, पर अंजीर, हाँ, इसके मुझे इससे लगता है रिलेटेड उर्दू नहीं लग में रहा है है। शब्द, उदम्बरम से रिलेटेड नहीं लग रहा है। आप कहाँ पे देख रही हैं? वही लिस्ट नीचे में, जो वो सारी लिस्ट है ना, एक सिर्फ बिना पिक्चर के, आखिरी क्योंकि वाली लिस्ट ये में। क्रिएट किया गया है, मेरे को लग रहा है स्ट्रॉबेरी इज नॉट एन इंडियन फ्रूट, तृण बदरम लिखा हुआ है, तृण इज स्ट्रॉ, तो जी ये हाँ, क्रिएट किया है तृणबदरम। बाद में मॉडल किया। हाँ, नहीं, पर ये वाले शब्द मैंने उनमें उसमें भी ब्रेक देखे हैं, करके, हाँ जो अपने वो है ना, संपदानंद जी की जो ऐप है, अच्छा, नहीं उस ऐप में नहीं, एक और कहीं पे देखा था मैंने, पर तृणबदरम मैंने स्ट्रॉबेरी के लिए एक और जगह पढ़ा है। पर हाँ, जो आप बोल रही है वो सही है कि शायद ये शब्द बाद में बनाए गए हैं, क्योंकि ये फल हमारे यहाँ होते ही नहीं थे, तो जैसे जैसे फलों का आदान प्रदान चालू हुआ तो उनके लिए भी शब्द निकाले गए। फिर जैसे इवन खरबूजा जो कहते हैं, खरबूजा मेरे ख्याल से उर्दू से मुझे उर्दू शब्द जुड़ा है, हुआ शब्द है। हाँ, या उर्दू का ही है। जैसे ये देखने से भी लग रहा है ना, जैसे आग्रलम संस्कृत का शब्द लग रहा है, सुनकर ही पता चल रहा है ना साउंड से। अच्छा, लेकिन ये अलग है। अमरूद को खरबूजम हम के, बीज पूरकम भी कहते हैं। खरबूज नमो नमः शुभम जी। नमो नमः अंशु जी, मैंने वो व्हाट्सएप पे आपको शेयर करा है वो मौसम्बी का। अच्छा, व्हाट्सएप में भेजा है। जी हाँ, ये देखो, बीजपुरम भी यहाँ पे लिखा है, जो मैं बोल रहा था ना अभी, अमरूद के लिए बीजपुरम कहते हैं, बीजपुरकम या बीजपुरम। तो मतु लुंग लुंगन। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, देखते हैं। हाँ, मतु लुंगन। बीजपुरम, लुंगम, तो इसको मिटा के थोड़ा ठीक करते हैं। अपन अलग अलग भी लिख सकते ना, जैसे आम लिख दो और आधा घ बाद में लिख दो। हाँ हाँ, ये लिख सकते हैं ना ऐसे, आप, मतुलुंगन, और यहाँ हलंत लगा दिया तो वो हो गया। वो जी
नहीं जैसे मतुलुंगन इसमें क्या गूगल है में तो अलग से नीचे लुंगम है ना, वो न है कि म है? न है, मुझे तो न दिख रहा है। म है म, ओ आपने जो शेयर किया है ना म उसमें म वो है। एक आइकन, देखो वो फोटो उठा के देखो, वो आइकन जो है हाँ उसके वो ऊपर आ उसकी गया वजह है, से। हाँ वो जी ना जी दिख रहा है। जी मतुलुंगम वो म है जी। मोसंबी। मौसम्बी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्वीट लाइम। नहीं, क्या नाम स्वीट है लाइम ही उसका? होगा ना, जब तक आपको असली याद नहीं आता कुछ और, तब तक मैं स्वीट लाइम लिखते रहा हूं। स्वीट लाइम यदि कुछ और याद आ जाए तो बता देना क्योंकि जी। मुझे जैसा याद है मौसम्बी को हम स्वीट स्वीट लाइम लाइम ही कहते हैं। मोहा जी, आप मौसम्बी को क्या कहती हैं आप अंग्रेजी में? स्वीट लाइम स्वीट लाइम ही है ना? हाँ ठीक स्वीट है लाइम ही भाई। कहते हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक और भी नाम याद हाँ तो जब आ जाएगा तो बोल दीजिएगा, सुंदर तब तक जी। हम आगे बढ़ते हैं। तो मतुलुंगम जो है मौसम्बी के लिए शब्द मिला, और बीजपूरकम या बीजपूरम, ये बताओ किसका हो सकता है मोहा महोदया? बीजपुर अमरुद, इसमें काफी बीज सारे बीज होंगे। पूरकम, वही अमरुद। बीज ही बीज भरे हुए होते हैं इसमें। बीजपुरम बीजपूरकम भी बोलते हैं, बीजपूरम भी है, मैंने एक जगह बीजपूरकम भी पढ़ा है। तो ऐसे थोड़े बहुत अंतर चलते हैं, मतलब हमको मूल शब्द यदि समझ में आता है तो पूरकम या पूरम अभी के जी लिए वो। ठीक हाँ है, शिक्षण के समय, बाद में शुद्धता के लिए हम पता लगा सकते हैं कि पूरम और पूरकम में अंतर क्या है, क्यों है, जी वो थोड़ी एडवांस्ड चीज है, उसकी अभी हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसको नारंगी जो है, नारंगी रंग की बना दी जाए। और मौसम्बी जो है वो थोड़ी ऐसी बनाएंगे ताकि मौसम्बी जैसी लगे। थोड़ा ग्रीनिश लुक हाँ थोड़ा सा उसमें या पेलियन लुक। मिक्सचर हाँ करना पड़ेगा, अभी तो पता नहीं वो लग रही है कि नहीं, पर नहीं भी लग रही तो यही मौसम्बी है, इसको नहीं समझ जैसा लेना। करेला लग रहा है वैसे नहीं लग रहा। हाँ वही अभी करेला बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम्बी भी धीरे धीरे लगने लगेगी यदि मैं रात भर बैठ के इसको बनाता रहूं, लगेगी थोड़ी थोड़ी लगेगी, हमको सिर्फ जी उसके पास पहुंचना है, ऐसा बिल्कुल ही परफेक्ट हो तभी हाँ जरूरी नहीं एग्जैक्ट नहीं पर। थी। मतुलुंगम। अच्छा और आमलम खट्टा मिल गया, अब हमको तीखा मिर्ची का जो होता है उसके लिए क्या बोलते हैं वो ढूंढना है। तो तीक्ष्ण तीक्ष्ण ही लिखा है पर पता कैसे चलेगा कि वही मिर्ची के लिए कहते हैं ये लोग। तीक्ष्ण है शब्द तो है,
तीक्ष्ण मतलब हाँ तीखा तीखा ही है, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब नुकीला तीखा, जो शार्प जिसको कहते हैं वही तीक्ष्ण है। हाँ उसी को स्वाद के लिए उपयोग कर सकते हैं क्या? अभी वो पक्का नहीं है इसमें, क्योंकि सीधे तीक्ष्ण वो नहीं। लिखा हुआ है और संस्कृत में भी तीक्ष्ण है वो। तो तेज, एक मिनट ये भी देख सकते हैं, रुको। तेज यदि मिलेगा तो उससे भी अच्छा। तेज वैसा वाला नहीं है ये, तेज तो वो तीव्र हो जाएगा तेज तो। हाँ, ये वो वाला तेज मिला इसमें, जो चेहरे पे तेज होता है, मुख पे तेज, तो वो अलग है। अच्छा ये भी तो मैं है ना, तेज मतलब बहुत वो सारे शब्दों के दौड़ते हैं ना बहुत तेज सारे अर्थ गति, होते हैं। ये वो वाला संस्कृत नहीं में तो है, बहुत सारे हैं। गति वाला जो है। हाँ, गतिवान या शीघ्रम, उस तरह से त्वरित, वो वाला जी तेज जो है, स्पीड वाला तेज जो है, त्वरा, उससे हम बता सकते हैं त्वरित, तीव्र गति तेज। शीघ्र। हाँ, तीव्र, मिर्ची वाला अभी तक नहीं मिला है मुझे, मतलब उतने अच्छे तीक्ष्ण मान लेते हैं। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम मिर्ची के लिए मैं तीक्ष्ण ऑनलाइन सर्च उपयोग कर रहा हूँ, करेंगे। मेरे को उसमें भी नहीं दिख रहा है। हाँ, ऑनलाइन पे इतना भरोसा, इतना विश्वास भी मत करना, कई जगहों नहीं कर पे सकते, थोड़ा नहीं कर मन सकते, नहीं से ऑनलाइन बनाया में हुआ नहीं भी कर रहता है। सकते। हाँ, तो उसको नहीं वेरीफाई बहुत करना देखा है, किसी अभी ना किसी अभी से गूगल में आवश्यक। बहुत हुआ था ना, हाँ धन्यवाद में इन्होंने उर्दू में लिख दिए तो। हाँ वो तो बाप रे, पागलपन है। हाँ भगवान मतलब आपका भला करे, तो गॉड कौन ब्लेस सी लेवल की तक जा जगह रहे हैं। लिखा है हाँ वहां अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वो हाँ, अल्लाह मेहरबान हो, धन्यवाद ऐसा के कुछ लिए तो था, था। कुछ तो है। देखा था ना वो मुआजी आपने भी? जी जी किया था ना मैंने। स्पाइस के नहीं पर लिए मेरा यही है कि कर, हम कब तक कर सकते हो सब उनको। जब तक पता चलेगा, अभी तो हमको पता ही नहीं था, अब पता चल रहा है तो करेंगे, वही कोई नुकसान नहीं है। देखो, कब हाँ तक का कोई प्रश्न ही नहीं है। अपन यदि रुक गए तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो नहीं, उठेंगी अपने ही। को उनके मेजर जो वो है ना उनको हिट करना पड़ेगा। थक जाएंगे हम लोग, जब सही करना चीजें चालू करेंगे ना, तो हमको अब पता है कि हमको क्या जी करना जी है। तो फिर करने कैसे वाले जो हैं वो भागेंगे, मतलब वो रुक जाएंगे, भैया आप समझ गए लोग, अब करके कोई फायदा नहीं है। वो लोग, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब तक किसी को पता ना चले, चुपके चुपके खूब सारा ये गड़बड़ कर लो, उधर गड़बड़ कर लो। करते रहो। तो वो जागे हुए, तो अब हम भी जाग गए हैं। और जब सही की सेना जागती है, तो फिर गलत की सेना अपने आप भाग जाएगी धीरे धीरे। ज्यादा टाइम तक नहीं बस। टिकती है गलत की सेना। मुझे एक शब्द मिला है, इससे शायद आपको रूट शब्द मिल सकता है अंशु जी। मरीचिका मिर्ची है। मरीचिका, मिर्ची को बोलते हैं। हाँ, मिर्ची मरीची का तो वो तो सिर्फ मिर्ची के लिए हो गया ना, या लाइक इससे लेकिन रूट रूट वर्ड वर्ड मिर्ची इसमें में है। तीखा। ओके शायद अभी ना होगा रूट वर्ड इसमें। शायद। हाँ, संस्कृत के तो हर शब्द में कुछ ना कुछ मूल शब्द होता मरी ही है। बहुत मरीचिका मिर्च के लिए है, चैट बॉक्स में और एक और वेजिटेबल्स के होता नाम है में दूंगी। उपस्कर, स्पाइस जिसको कहते हैं ना हम, मसाले, जनरल शब्द जो है मसालों के लिए, उपस्कर मसाला। क्या आया अब? ये जो मैंने लिंक जहां से निकाली मिर्ची। वेजिटेबल्स इन संस्कृत, सब्जियां निकली भाई, मसालों के संस्कृत मरीचिका, नाम। मरीचिका, रक्तफलम टमाटर के लिए, बहुत विचित्र सा नाम है, परिव्यय पलांडू। रक्त, पलांडू हाँ आप पलांडू गेस भी नहीं प्याज कर के लिए पाओगे कहते पता हैं। हाँ, है।
हाँ पोलैंड, अजीब सा नाम है। अजीब सा। हाँ गृंजनकम, ये सुंदर लगता है नाम, गुड, गृंजनकम, गाजर, गृंजनकम, ग्रंथ और उसमें ग्रंथनकम। गाजर। गाजर भी है। लिख लेंगे अभी आलू आलूकम कम। क्रिएट किया गया है क्योंकि आलू वैसे भी आलू कम बेसिकली इंडिया का है नहीं, आलू आया है बाहर से, ये जी, आलू तो बाहर से आया। कम, आलूकम बना है वृंदा क्या कम, शब्द? वृंता कम, आलू के पीछे हम पुष्पशाकम, आहा पुष्पशाकम, पुष्प अच्छा शाकम, पुष्प ये भी बनाया हुआ शब्द फ्लावर, पुष्प है, फ्लावर, पुष्प और शाक को जोड़ दिया पुष्प तो पुष्प शाकम। शाकम बना लिया है उसका। हाँ नहीं लेकिन उल्टा है, पहले वो फूल जैसा दिखता है इसलिए पुष्पशाकम बना, फिर हिंदी में उसको फूल को भी कहने लगे, ऐसा होगा शाखा ना। है, रूट्स, रूट्स को शाखा है, पुष्प शाखा, पॉलीफ्लावर। छत्राकम मशरूम, कुकुरमुत्ता, मूलकम, छत्राकम, फिर मूलकम, मूली, छत्राकम, हाँ पलांडु, मूली तो ये ठीक है, चलो मूलकम, पलांडु, प्याज, पलांडु, भिंडिका, भिंडी का, और फिर नीचे थोड़े बहुत अलग भी हैं, पालक, पालक स्पिनच, क्या, पालक का, कारवेलम, ये भी हमने पालक देखा क्या, था, पालक क्या, फिर लशुनम, कार वेलम, अपनों ने करेला देखा था, ओके वही है कार वेलम। मैंने कार वेलम देखा है, उसमें ब की जगह व था और यहाँ पे ब है, इसमें बेलम, थोड़ा उतना अंतर चलता है बेलम, मेरे ख्याल से। बेल और वेल जो है हम हिंदी में भी उपयोग करते हैं, वेला और बेला हाँ वो दोनों। मतलब समय को भी बोलते ना, हाँ वेला। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिला, मिर्ची, मरीची का मिला, वैसे तो कई सारे मिले, हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़े बहुत। उपस्कर मसाले के लिए होता है, स्पाइस के लिए एक उपस्कर, जनरल शब्द है उपस्कर। अरे चिली, आई वाला लिखना पड़ेगा। मरीची का भाई हाँ ना। मरीचि का उपस्कर। और तब तक हम तीक्ष्ण यहाँ पे लिख लेते हैं, पर उसको थोड़ा सा प्रश्नवाचक तीखा, रखते हैं कि डाउट ये पक्का है कि तीखे के लिए ये चलेगा। मुझे लगता है चलेगा क्योंकि तीक्ष्ण का है। अर्थ ही वही होता है तीखा, तो स्वाद के लिए भी चलना चाहिए। किसी और संपदानंद जी से यदि आप उठा सकती हैं इसको तो पूछिएगा, मोहा जी, आइडिया ये चारों पांचों प्रश्न एक साथ लिख के ना उनको एक बार में भेज देना। अच्छा, और एक दिन जब मैं भी डिग्री विग्री सब कर लूंगा तब हमारे पास भी ये सारे उत्तर होंगे। अब ऐसे ही तो आप होती है। संस्कृत कर रहे हो अभी? हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिग्री तक पहुंचा जाए धीरे धीरे। तो उसमें क्या होता है, आचार्य और संस्कृत वाक, हाँ शास्त्री, वाक शास्त्री, ऐसे अलग अलग डिग्रियां हैं संस्कृत में, तो कई सारे जी विश्वविद्यालय करवाते हैं, बहुत सारे हैं। इनफैक्ट ये मथुर में भी जो इन पर्सन करती काफी लोग वहां पे सीखते हैं, मथुर जापान वगैरह से काफी लोग वहां पर फॉरेन से अच्छा भी आते हैं सीखने के लिए, स्पेशलाइज मतलब। हाँ तो वो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था कि वहाँ, और सभी अच्छी वहां पर बात है, बात भी मतलब संस्कृत में ही करते हैं, और बच्चों को भी 10वीं मतलब 10 साल से पहले से ही मतलब स्टार्ट कर देते हैं। करते नहीं है, संस्कृत में ही करते हैं, रोजमर्रा का जीवन संस्कृत में ही चलता है। मथुर,
अच्छी बात है। मत्तूर चल क्या तो हुआ एक जी? बार जाएंगे पक्का। चलो मत्तूर, अभी मत्तूर मैं का वैसे तो भी बेंगलुरु आ ही रहा हाँ हूँ 13 मार्च को, वो गौशाला का गौ संगम तेरा कार्यक्रम है ना, मैंने भेजा था ग्रुप्स में। जी 13 मार्च कौन सा वार है? 13 को शनिवार होगा, 13 हाँ 13 मार्च शनिवासर अस्ति, त्रयोदश मार्च त्रयश मार्च बोलने का मन नहीं होता, पर अच्छा है कम से कम अंग्रेजी की जगह हम अपने हिसाब से बोलेंगे। चलो, तो स्वाद हमने काफी कुछ कर लिए, कषायः मधुरः आम्लम और तीक्ष्णः मिर्ची वाला स्वाद है। जब तक हमको कोई और जानकारी नहीं मिलती तब तक हम तीक्ष्ण ही मानते। ठीक है, अब एक मुझे अभी अभी जो हम खोज कर रहे थे एक प्रश्न की काफी पहले से कर रहे थे कि अनुस्वार और जो म हम शब्दों के अंत में जोड़ते हैं उसका एक नियम होता है, तो मुझे थोड़ा नियम पता था पर अब संस्कृत भारती से ही पता लगाया मैंने, तो अब वो पूरा नियम पता चल गया है, तो अब हम उसको भी एक बार देख लेते हैं और फिर उसके साथ कक्षा समाप्तम करोमि, तत्पश्चात समाप्तम करोमि। जी तो पहले मैं एक उदाहरण के दो वाक्य लिख देता हूं फिर उसको समझाता हूं। मुआजी, आपको याद है ये चीज हमने कई बार चर्चा की थी कि कब अनुस्वार लगेगा और कब म लगेगा। क्योंकि मुझे पूरा प्रस्तुति सुनाई नहीं दिया प्रश्न आपका। अनुस्वार के नियम आपको याद है कि हमने कब म लगेगा और कब अनुस्वार लगेगा, एक दो बार हमने चर्चा की थी पर उसका हाँ पूरा एकदम नियम हमको शुरुआत नहीं में। पता था। हाँ नियम नहीं पता था मुझे, याद है वैभवी जी ने ये क्वेश्चन रेज किया था वो याद है मुझे। हाँ, और उनको उनने थोड़ा सा नियम बताया था, उनको पता था कुछ पार्ट ऑफ द नियम पता था, जो उन्होंने ये बोला था कि जब भी वाक्य के अंत में हम उपयोग करते हैं अक्षर शब्दों को तब म लगाते हैं, तो वो असल में नियम क्या है कि जब भी किसी भी पद के किसी भी शब्द के अगला पद व्यंजन से चालू हो रहा है, स्वर से नहीं चालू हो रहा, मतलब व्यंजन सारे हमारे क ख ग घ जितने हैं सब के सब पूरे ह तक, य र ल व क्ष त्र ज्ञ सब के सब जितने व्यंजन हैं, इनमें से कोई भी व्यंजन यदि अगला है सिर्फ तब अनुस्वार लगेगा, बाकी हर स्थिति में म लगेगा। तो जैसे तत्फलम, तो अब फलम जो है ये जैसे अंतिम शब्द है। अ हाँ, तो अभी फलम मैं एक और उदाहरण लिखता हूं जिसमें हमको ये समझ में आएगा कि जब स्वर आता है आगे तो शुभम आम्र हो गया। आम ब्रह्म आनयति। तो अब नय जो शब्द है, नयति, नय मतलब ले जाना, टेक, लेकर आना और ले जाना। ठीक है, दिस इज टेक, कहीं भी लेके जाना।
और आ नए इसी का उल्टा है, ये तो आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकर आना। हाँ, लेकर आना या लाना उसी के, तो ये है ब्रिंग, नहीं। है ना, आनय और नय। तो शुभम आम्रम आनयति, तो अब आनयति मतलब शुभम आम्र मतलब आम का फल ला रहा है, लेकर आता है। लेकर आता है, आना तो है। अब यहाँ पे अगला क्या है अक्षर? हाँ, स्वर है ना, आ इ ई उ ऊ, जो भी हमारे स्वर होते हैं वर्णमाला में। तो क्योंकि ये स्वर है इसलिए यहाँ जी पे स्वर व्यंजन। आम्रम में अनुस्वार नहीं लगेगा, सीधे म लगेगा और हलंत के साथ। तो इसको हम आम्रम बिंदी के साथ नहीं लिख सकते, वो अशुद्ध होगा। जब ये तो ये व्यंजन है अगले तो वर्ड से होता है कि? हाँ, अगले से। तो अगला जब कौन सा आ रहा है उसके हिसाब से जी बिंदी या म चेंज मतलब होता है। अनुस्वार या म दोनों में से कोई एक चीज लगेगी। हाँ मोआ जी, आप कुछ बोल रही थी। मैं यही कह रही हूँ कि मतलब कोई भी अगला शब्द व्यंजन हो तो अनुस्वार तब लगेगा, अनुस्वार, सिर्फ तभी अनुस्वार लगेगा। तो स्वर हो जाद, तो म लगे, हाँ जैसे एग्जांपल। हाँ तो ये देखिए ना, जैसे वाक्य के अंत में शब्द उपयोग हो रहा है तब भी म लगेगा, और बीच में भी यदि है लेकिन अगला शब्द स्वर से शुरू हो रहा है तब भी म लगेगा। तो म ज्यादा बार लगेगा और अनुस्वार कभी कभी लगेगा जब भी अगला शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है। व्यंजन तो आप यदि जैसे अनुस्वार इसकी का जगह नियम याद अनायति रख की, लें, जैसा खाता है। खाद, हाँ खादती, यदि आप खादती बोल रहे होते, शुभम आम्रम खादती। खादती, तो शुभम आम खाता है, तो तब ख जो है व्यंजन है, तो तब आम्रम अनुस्वार के साथ लिखना पड़ता। आम्रम आम। इस बार हम मुआजी को आम खिलाएंगे। मोहा, पहले लेकर आए थे, अब खाएंगे। हाँ शुभम लेके आ गया, अब मोहा ने खा लिया तो अच्छा है ना। मधुमक्खी ने शहद बटोरा और खाया उस मनुष्य ने, तो वैसा ही है, मोहा आम्रम खादती। तो अब देखिए, है आम्रम एक ही शब्द लेकिन यहाँ पे अनुस्वार लगेगा क्योंकि अगला व्यंजन है। ठीक है, तो ये नियम समझ गया, जी सिर्फ अनुस्वार का याद जी रख लीजिए तो म वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। अनुस्वार सिर्फ तभी लगेगा जब अगला शब्द व्यंजन है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, बाकी हर कंडीशन में म ही लगेगा, अनुस्वार नहीं लगेगा। तो बस अब जहां पे भी अगला व्यंजन है तो उसमें बिंदी लगा दो और बाकी हर कंडीशन में म लगाना है, म लिखना है, तो क्लियर है। सरल अस्ति नियम, नियमम सरल जी, अस्तु। नियम तो सरल अस्ति। इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। सर्वेषां नमो नमः, शुभरात्रि, धन्यवादम्, धन्यवाद, नमो पुनर्मिलामः। नमः, शुभरात्रि। पुनर्मिलामः। नहीं।